सीहोर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। सीहोर में 4 विधानसभा सीटें हैं, इनमें बुधनी, अष्टा, इछावर और सीहोर सीटें शामिल है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में सीहोर से सुरेश राय निर्दलीय के रूप में जीते, उन्हें 63,603 वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा के उषा रमेश सक्सेना को हराया था। उषा रमेश सक्सेना को 61,978 वोट मिले थे। दोनों के बीच के हार का अंतर 1,626 मतों यानी कि 1.16% रहा था। 2013 में सीहोर विधानसभा सीट में 1,87,144 वोटर्स थे, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 97,509 और महिला मतदाताओं की संख्या 89,630 थी। इसी तरह 2018 में भाजपा के सुरेश राय जीते, उन्हें 60,117 मत मिले, जबकि कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह ठाकुर को 39,473 वोट पाकर हार गए थे। हार का अंतर 20,644 वोट यानी कि 13.15% रहा। इस समय सीहोर सीट पर मतदाताओं की संख्या 1,94,823 थी। इनमें से पुरुष वोटर्स 1,01,322 थे, जबकि महिला वोटर्स 93,493 थी। वहीं 2018 में बुधनी विधानसभा की बात करें तो भाजपा के शिवराज सिंह चौहान को 1,23,492 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के अरुण सुभाष चंद्रा को 64,493 वोट मिले थे। हार का अंतर 58,999 वोट यानी 29.4% का रहा। बुधनी सीट पर वोटर्स की संख्या 2,05,071 थी, जिसमें से महिला वोटर्स की संख्या 1,16,873 थी तो पुरुष वोटर्स की संख्या 1,28,167 थी। वहीं आष्टा में 2018 विधानसभा चुनाव को देखें तो भाजपा के रघुनाथ सिंह मालवीय को 92,292 मत मिले, जबकि कांग्रेस के गोपाल सिंह इंजीनियर को 86,248 वोट मिले थे। हार का अंतर 6,044 वोट यानी कि 2.96% रहा। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 2,06,775 थी। इसमें महिला वोटर्स 1,19,133 और पुरुष वोटर्स 1,29,475 थे। वहीं 2018 में इछावर विधानसभा को देखें तो यहां भाजपा के करण से 87,134 वोट पाकर विजयी रहे और कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को 71,173 वोट लेकर हार गए। हार का अंतर 15,961 वोट यानी कि 9.33% का रहा। इस सीट पर कुल मतदाता 1,72,961 थे। इनमें से महिला वोटर्स की संख्या 94,986 और पुरुष वोटर्स की संख्या 1,04,969 थी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज वोट यात्रा पहुंची है श्री गणेश की नगरी सीहोर में। दरअसल सीहोर की बात करें तो लंबे अरसे से जहां कांग्रेस के लिए यहां सूखा नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद भी सीहोर जिला मुख्यालय जैसा नजर नहीं आता। क्या कारण है इन तमाम चीजों के, इस पर बात करेंगे हमारे अतिथियों के साथ। और हम परिचय कराते हैं, सबसे पहले कमलेश दोहरे जी हैं हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी से, ब्रजेश पटेल जी हैं इछावर विधानसभा से हमारे साथ में मानसिंह पवार जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और राजे गुजराती भाई हैं जो खुद सीहोर से हैं। तो कांग्रेस से दो चेहरे हैं, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के भी चेहरे हमारे साथ में। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आपकी सरकार है, लगातार डबल इंजन की बात होती है, जो आपके साथ नहीं थे अब तो वो भी आपके साथ में आ गए, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। ये सरासर गलत है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, चाहे वो केंद्र में बनी हो चाहे राज्य में बनी हो, विकास की गंगा निरंतर बह रही है हिंदुस्तान के अंदर। सीहोर के अंदर, सीहोर में भी काफी विकास हो रहा है, आप देख लीजिए। इस समय सीहोर में इतना पैसा आया है कि नाली गली सड़क योजना नगर पालिका के माध्यम से यहाँ की जा रही है, और लाडली बहनों के 15,000 फार्म भरा है और सभी बहनों को 1,000 रुपया मिल चुका है सीहोर के अंदर। चलिए बात करेंगे कितना विकास हुआ, कांग्रेस के पास चले जाते हैं, कितना विकास हो गया सीहोर का? आपने सबसे पहले ये कहा था कि चिंतामन जी की नगरी है सीहोर है। अभी मुख्यमंत्री जी गोरा यात्रा में आए थे, बड़े बड़े ढींगे आग के गए थे, उन्होंने
गणेश मंदिर को ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी। इस बात को करीब करीब 6 महीने से ज्यादा हो गए, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की थी। हमारे सीहोर में एक लॉ कॉलेज चलता था, हमारे पीजी कॉलेज में, वो बंद हुआ, हमने उसके लिए आंदोलन किए, उसके लिए इन लोगों ने एक बोर्ड शासकीय जमीन पे हाईवे पे गाड़ा था, उस बोर्ड को भी पोत दिया गया। कई सारे मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है। मुख्यमंत्री जी का सीहोर जिले का होना इस विधानसभा के लिए और आष्टा के लिए और इछावर के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे केंद्र सरकार की नीति है कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज किसी जिला को मिलेगा, हमारा मेडिकल कॉलेज भी मुख्यमंत्री जी बुधनी ले गए। और मैं बड़े खेत के साथ ये कहता हूं कि अब हमारा क्षेत्र मेडिकल कॉलेज से भी शिवराज सिंह जी के कारण महरूम रहेगा। ये जो विकास की बात यहाँ होती है, मतलब मुझे तो नजर नहीं आता ये विकास में, इधर देखूं इधर देखूं किधर भी देखूं, सकड़ी सकड़ी सड़कें हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, गणेश जी का इतना प्राचीन मंदिर है, इतनी आस्था है, व्यवस्था वहां पर कम है, क्यों है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास तो हुआ है पर कार्यकर्ताओं का, उनके नेता का हुआ है। देखिए, जिनके पास एक गाड़ी थी चार चार गाड़ियां हो गई, और आप देखेंगे कि जिनकी एक होटल थी चार चार होटलें हो गई हैं, गाड़ियां हो गई हैं, सब आलीशान सिस्टम हो गया। तो कार्यकर्ताओं का खूब विकास हुआ, जनता तो आज भी परेशान है, वो आप जनता के प्रति जो विकास हुआ वो आपके सामने है। तो विकास विकास कुछ नहीं हुआ, सब ढिंडोरे पीटे जा रहा है। जहां काम हुआ था, अभी वो सड़क वाला मामला श्यामपुर रोड का देखा होगा, अभी 2 महीने पहले वो धस गई है। तो इस तरह के विकास से जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है, जनता तो हमेशा ठगी जा रही है, जनता तो हमेशा परेशान है, तो जनता के फायदे में कोई काम नहीं हुआ भारतीय जनता। चलिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, क्योंकि बुधनी भी अब शहरी क्षेत्र में आ गया, सीहोर शहरी क्षेत्र माना ही जाता था, लेकिन इछावर जस की तस है। सबसे पहले तो मैं आपका सीहोर की पावन भूमि पर स्वागत करता हूं कि आपने आपके माध्यम से हमारे जिले की जो हमारे में जो मन में बात है आपके माध्यम से हम रखना। बात है मेरी विधानसभा क्षेत्र की, बात करूंगा, मैं सीहोर की बात नहीं करूंगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक नगर पंचायत है और 144 ग्राम पंचायतों का पूरा समूह है, लगभग 2 लाख से अधिक हमारे मतदाता है। हमारे यहाँ भगवान राम ने तो 14 वर्ष का वनवास काटा था, हमारा वनवास तो 32 वर्ष का हो गया इछावर वालों का। 2013 में कांग्रेस पार्टी को एक बार क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मौका दिया था, उसमें चंदेरी सीहोर से बगल में लगा हुआ चंदेरी गांव, वहां पर 386 एकड़ का 386 एकड़ का जो औद्योगिक क्षेत्र लगा है वो कांग्रेस की विधायक की देन थी, और वहां पे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला। बात है भारतीय जनता पार्टी के विकास की, बार बार हमारे क्षेत्र के विधायक एक ही बात करते कि मैंने सीओ से लेकर नसुल्लागंज तक का रोड बनवा दिया, मैंने रामनगर वाला रोड, रामनगर रोड के लिए मैंने खुद पदयात्रा की जिसकी तस स्थिति थी, लेकिन अभी 8 दिन के पहले जब गांव के लोगों ने अनशन किया तो उस रोड का काम लगा, हजारों लोगों के एक्सीडेंट हुए वहां पर, सैकड़ों लोग घायल हुए वहां पर, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि उज्जैन जैसी हालत सलकनपुर में ना हो जाए, सलकनपुर को भी वो तीर्थ बनाने जा रहे हैं, सलकनपुर में कोई भ्रष्टाचार ना हो, यही मेरा मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ आम लोग जैसे भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, आप सीहोर में रहते हो? आप रहते हो सीहोर? नहीं नहीं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? काम करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, सीहोर जिले में रहते हो ना? कम से कम कौन से गाँव में रहते हो? मैं तो उत्तराखंड का हूँ, बाहर का हूँ। उत्तराखंड, ये सीहोर कैसा लगता है? सीहोर सही लगता है, अभी तो फिलहाल बढ़िया लगता है। चलिए, तो ये तो उत्तराखंड से है, बड़ी दूर से लोग आए हैं यहाँ पर सुनने के लिए। ये भाई साहब, आप कहाँ से, आप कहाँ रहते हो, ये तो बताओ आप, कैसे हालात है इछावर में, कामकाज क्या है, किसानी विसानी, खेती वेती, पानी वानी? पानी की बहुत समस्या है, सराड़ी में गांव रहता हूँ, सराड़ी में आज पूछ लेना किसी से, सराड़ी में इतनी परेशानी है पानी की जिससे कहने जा रहे हैं। पीने के पानी की या खेती के पानी? पीने के पानी के लेने, मतलब अभी तक कोई वो नहीं करा है, सरपंच बना अभी तक भी पर उसने कोई भी वो नहीं करा पानी का लेने वहाँ की जगह। चलिए, तो ये हो गई बात इछावर की, और भी लोग बैठे हैं। आप कहाँ रहते हो भाई? सर, मैं कोलवा से हूँ। ये कहाँ पड़ता है, कौन सी विधानसभा में? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, शाजापुर, यार बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर। सर, बीएससी नर्सिंग चल रही है मेरी, आईएएस कॉलेज से। अच्छा, यहीं से पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ा। अच्छा, ये बताओ, ये सीहोर दिखता कैसा है, मतलब बड़े शहरों जैसा दिखता है, छोटे मोटे शहर जैसा दिखता है? सर, बहुत अच्छा है, मैं आज तक रहता नहीं पर बहुत अच्छा लग रहा है, 1.5 साल से रह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, लगातार हम लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं भैया, ये खुशी मतलब वो एक होटल के चार होटल होने की है या फिर ये खुशी सीहोर के विकास की? सीहोर के विकास की खुशी है, डेली भूमि पूजन हो रहा है, तीन तीन चार चार काम हो रहा है। भूमि पूजन हो रहा है कि काम भी हो रहा है? पूजन शायद अगले दिन भूमि पूजन हुआ, उसके 2 दिन बाद काम चालू हो जाता है।
कहाँ पे काम शुरू हो गया? एक साल भी हूँ नगर पालिका में, नगर में विकास कार्य की लहर आ गई है, खूब कार्य हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। सड़कें क्यों चौड़ी नहीं हो रही है? पानी वानी पड़ा गंदी गंदी सड़कें, अब काम चलेगा धीरे धीरे। और भी क्षेत्र में से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर जो हैं इस विधानसभा के अंदर, क्षेत्र के अंदर, पूरे जिले के अंदर, एक तो रोजगार का कि यहाँ के जो नौजवान पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, वो तो पढ़ाई के अंदर अपना जीवन उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया, उनके पिताजियों ने पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन रोजगार नहीं होने की वजह से वो अपाहिज हो गए, ना तो मजदूरी कर पा रहा है ना उन्हें रोजगार मिल रहा है, एक तो मुद्दा ये है। आप लोगों ने फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगवाई? आपको आप लोग भी तो पहले सरकार में थे। कार्यकाल में बहुत सी फैक्ट्री थी, लोहा मिल था यहाँ पर, पुष्टा मिल था, सोर फैक्ट्री थी हमारा, बहुत से लोगों को रोजगार मिलते थे। हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री। शुगर फैक्ट्री कब बंद हुई? शुगर फैक्ट्री कब बंद हुई? शुगर फैक्ट्री बंद हुई इनकी केंद्र सरकार की गलती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। पहले शुगर फैक्ट्री की बात करते हैं, औद्योगिक विकास की बड़ी बात होती है भाई साहब। शुगर फैक्ट्री तो बंद है चलिए, लेकिन शुगर फैक्ट्री के पास जितनी जमीन है ना उतने इससे एक इंडस्ट्रियल एरिया बन जाए, लेकिन कभी प्रयास नहीं हुआ इसके लिए। अनेकों बार हमारी राज्य सरकार द्वारा मसौदा तैयार किया गया है और निश्चित ही रूप से बहुत जल्दी शुगर फैक्ट्री की जमीन को खाली करवा करके और वहाँ औद्योगिक नगरियां बनाई जाएगी। अभी एक औद्योगिक नगरी यहाँ बंडागर में बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी मात्र जनता के हित में काम करती है। जैसे कि पूर्व में आपने कहा था कि सीहोर का क्या विकास हुआ, मैं बता रहा हूं कि सीहोर इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार पर चल रही है, प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और सीहोर नगर के नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पूरे शहर के अंदर नाली गली का बिना भेदभाव के रोड बनाए जा रहे हैं, जिससे जनता प्रसन्न है और आगे भी हम जनहित में कार्य करते रहेंगे। जनता प्रसन्न है ऐसा बताया जा रहा है भैया? जनता सीहोर की जनता, अब ये तो जनता बताएगी, बाकी वास्तव में जनता कितनी दुखी है ये हम लोग फेस करते हैं। ये लोग तो मलाई खा रहे हैं तो इन्हें पता नहीं चलता जनता दुखी है, पर जिन लोगों के बीच में हम जाते हैं यहाँ किस प्रकार की समस्या है। मैं तो सीहोर विधानसभा से आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मतलब पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो दूर तक के जो स्कूल हैं, स्कूलों की हालत ऐसी दयनीय है कि पूरे शिक्षकों को सीहोर में अटैच कर रखा है, वहाँ स्कूल ही बंद रहते हैं, स्थिति बड़ी खराब है। मतलब जनता बेहद परेशान है यहाँ की। और ये जो विकास की बात कर रहा है, विकास की तो देखिए विकास विकास कह के वो बार बार झूठ बोलने की एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, हमें झूठ बोलना है झूठ बोलना है, तो वो झूठ बोलते रहते हैं, अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखते रहते हैं, ये उनकी बड़ी खूबी है, पर विकास ऐसा कुछ है नहीं। ये बताइए, ये अगर भाजपा काम नहीं करवा रही तो जीतती क्यों है फिर? वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन निश्चित तौर पे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीहोर विधानसभा की जनता जवाब देगी। इनकी सांसद 4 लाख वोटों से जीती है, विधायक इनके 20,000 वोटों से जीते। आज सीहोर की महिलाओं को छोटे से डिस्प्ले बोर्ड रेलवे स्टेशन पे लगवाने के लिए ज्ञापन देने जाना पड़ रहा है। लॉकडाउन में ट्रेनें कई सारी बंद हुई, वो आज तक चालू नहीं हुई। कुबरेश्वर धाम पे लाखों श्रद्धालु आते हैं सीहोर के स्टेशन पर, लेकिन ना इनके इनकी केंद्र की सरकार का इस ओर कोई ध्यान है, ना इनकी प्रदेश की सरकार का, ना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र को केवल अपने वोट का चारागाह समझ के रखा। लाखों वोटों से इनके सांसद कई सारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए। बगल से स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी 10 साल रही, उमा भारती जी रही, सुंदरलाल पटवा यहाँ के जनप्रतिनिधि रहकर चले गए, शिवराज सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सीहोर मेरा जिला है। ये बता दें, यदि कांग्रेस की सरकारों के बाद एक भी कोई नया कॉलेज, नई शिक्षण संस्थान इस शहर में खुली हो, कोई मेडिकल की नई सुविधा आई हो, आज हार्ट अटैक आ जाए के अलावा हमारे सीहोर में कुछ नहीं हो सकता, हमें भोपाल हमारे मरीजों को लेकर भागना पड़ता है। मेरा सीधा सीधा आरोप है और विश्वास भी है कि जनता इस चुनाव में इन लोगों को जवाब देने जा रही है। शैलेंद्र हमारे स्थानीय साथी, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति है वास्तव में सीहोर की? अभी विकास तो खैर हो रहा है। कहाँ पर? शहर में विकास है। जैसे कहाँ कहाँ पर? जैसे रोडों का विकास हो चुका है, नालियां काफी अभी अच्छी स्थिति में है, लाइटों की व्यवस्था भी है, मतलब विकास है। विकास है, मतलब आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि जनता खुश है यहाँ की? नहीं, अभी ये खुश है या ना खुश है ये नहीं कह सकता हूँ मैं, बाकी विकास चल रहा अभी। ये रोड सड़क गली पानी, ये मेडिकल कॉलेज यहाँ बनने वाला था, बस सुना बुधनी चला गया। हाँ, ये मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला था बुधनी चला गया। यहाँ पे जो एक यहाँ के विधायक क्या करते रहे?
विधायक विकास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं अपना। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, एजुकेशन, ये इसके बिना विकास हो गया? नहीं, ये जैसे साइंस कॉलेज है यहाँ पे, सत्य साई कॉलेज। चलिए, हाँ जी, आपने पूछा कि यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, तो यहाँ के विधायक ने तो कोरोना काल में चुराए चुराए शराब बिकवा दी, इतना वो करा उन्होंने, चुराए चुराए शराब। और इसके बाद रही आपने सुगर फैक्ट्री का सवाल पूछा, सुगर फैक्ट्री राय दिग्विजय सिंह जी भी आरोप लगाते हैं कि 2002 में सुगर फैक्ट्री बंद हुई, 3 में भाजपा की सरकार आई है, 3 से लेके आज 23 तक, 3 से लेके 23 तक में आज सुगर फैक्ट्री की जमान हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा करके भाजपा के लोग बैठे, और स्वयं विधायक 5000 एकड़ पे कब्जा करके बैठा हुआ है, ये सीहोर का विकास। अच्छा, ये बताइए, जितना चमचमाता ये जो हाईवे पे एक बड़ा सा रिजॉर्ट है जिनका भी है, जो भी भाई साहब का है, वो जितना चमचमाता नजर आता है उतना सीहोर चमचमाता नजर आता है क्या? देखिए, चमचमाता नजर आ रहा है, आज अगर इस रोड को देखे जाएंगे आप तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महानगर की शक्ल में बदला हुआ रोड है, हाईवे जो बदल रखा है, सीहोर के अनेकों रोड है जो हाईवे की तरह नजर आते हैं। आज हमारे कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाएं आप देखोगे तो बिल्कुल अटूट व्यवस्था है, जैसे कुबेरेश्वर इतनी अटूट व्यवस्था है कि लोग जो है वहाँ पे दो दो दिन तीन तीन दिन भूखे पड़े रहते हैं। देखिए, जब लाखों की संख्या में जब वहां पर होगा तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। जहां परिकल्पना कुछ चंद लाखों की हो, वहां पर जाके अगर लाखों लाख आ जाए, और ये कहीं ना कहीं सीहोर की प्रसिद्धि और सीहोर का विकास यही है, ये इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने इतनी सारी बातें कही थी। चलिए और आगे चलते हैं भाई साहब, आप क्या करते हैं विधानसभा से? इछावर विधानसभा में क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या हालत है? मामा ने 1000 रुपए दिए, ये बात सही है, पर बच्चियों की फीस भरने गए तो 2000 लिए मास्टरों ने, तो 2000 लिए, 9th में आज 2000 लिए, अगले साल 9th में 900 रुपए जमा किए थे, मेरी बच्ची है दो, तो ये मामा की हरकत है। चलिए चलिए, लेकिन आप लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, मेरे को बस एक बात बता दीजिए, जीतते क्यों नहीं आप लोग, जनता अगर आपसे होते? देखिए, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है खरीद फरोख्त की, जब चुनाव आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि आने पे घर घर पैसा बांटने लगते हैं, लोगों को गुमराह करने लगते हैं, वो सीधे सच्चे और गुमराह लोगों को गुमराह करके पैसे बांटे जाते हैं। अभी चुनाव आए नहीं है कि उसके पहले लिफाफे बांटने लगे। अच्छा, हाँ, जो बार बार नहीं मतलब जीतते हैं उसका कारण ये है कि इनकी नीति फूट डालो राज करो, ये ध्रुवीकरण करते हैं, एंड टाइम पे हिंदू मुस्लिम वाली बात करके जहर घोल के लोगों का मिजाज को बदल के दिमाग को डाइवर्ट। कमजोरी तो आपकी भी है ना, नहीं हम ये ना भेदभाव करके फूट डाल के राज करना नहीं चाहते। बसपा के काफी सारे चेहरे, भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? डॉक्टर अम्बेडकर नगर। कितना यहाँ पर जो है दलित वर्ग का विकास हो गया, मध्यम वर्ग का विकास हो गया, क्या हालत है यहाँ की? यहाँ की हालत यह है कि आज का आदमी तिल तिल मर रहा है, सरकारें बोल रही हैं कि हमने विकास करा, लेकिन हम ये कहते हैं कि लोग बातें जरूर करते हैं लेकिन लोगों के चूल्हों तलक, लोगों की पर डे की समस्या, जो विभागीय की क्षेत्रों में बच्चे स्कूल कॉलेज और अनेक जगहों पे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे बातें करी जाती हैं कि यहाँ विकास हो रहा, रोड नाली बनाने से कोई विकास नहीं होता है। नाली बन गई लेकिन बाकी का जो विकास है, युवाओं को रोजगार की क्या हालत है भाई साहब, शिक्षा के क्या संस्थान है, थोड़ा सा खड़े हो जाइए ना जी। परम आदरणीय, सबसे पहले आपके सीहोर में आने का स्वागत है, धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप विकास की बात कर रहा है, ये सही है, विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप किस एरिया से आए, किस रोड से आए, आप बताएं पहले खुद। हम लोग आए रातीबड़ होते हुए। रातीबड़ होके आए हैं आप? रातीबड़ होके जब आए तो आप झागरी रोड से आए ना, तो वो रोड क्यों बन रहा है मैं बता देता हूं आपको, रोड क्यों बन रहा है, सीहोर के अंदर धूलाबासा रोड है, मछली पुल रोड है, अमर टाकिज रोड है, कोतवाली चौराया रोड है, यहां से गंज से और मंडी से शामपुर से आवागमन के लाखों लोगों का डेली प्रतिदिन आवागमन का है, लेकिन वहां रोड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर जनता जाती है, रोड वहां बनेगा जहां पर मेरा बिजनेस चलता है। बिजनेस कहां चलता है? रिसोर्ट में, क्रिसेंट में, वाटर पार्क में, मैं वहां की रोड बनवाऊंगा ना, वहां मेरी कॉलोनी है, वहां रोड बनवाऊंगा। जनता का रोड क्यों बनवाने चला? रोजगार तो मेरा है ना, धंधा मेरा है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि से पैसा कमा रहा हूं, जनता को जूते लाते मार रहा हूं। बड़ा धिक्कार है इस सीहोर के विधायक को कि उसने अपना धंधा पैदा किया है लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया।
हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, इनके वार्ड में एक एक गली इनके नमक चोराए के आसपास की पूरी गलियां बनी हुई है, इनके आसपास की पूरी गलियां जा रहे हैं वहां सुरक्षित हुई है। सिर्फ ये कहना सरासर गलत है कि कहीं जाके सिर्फ हमारे विधायक ने अपने स्थानीय स्तर पर विकास किया, इनकी एक एक गली सीओर का, इनके अपने प्रधानमंत्री उसमें मातृवंदना में इनको पैसा मिला है, इसके बाद लाडली बहन में इनको पैसा मिला है, इनके मकान नए बने हुए हैं, सब कुछ इनके एक एक व्यक्ति को हुआ है। ये कहना सरासर गलत है कि सिर्फ वहां विकास होता है जहां हमारे निजी थे। एक बात बताइए भाई साहब, आपके पास भी आऊंगा, सवाल वैसे ही है, ये जो सीहोर है ये बुधनी से अलग है क्या? नहीं, बुधनी से अलग नहीं है और ना होगा, बुधनी का विकास भी एक सीहोर का विकास ही हम मान लेते हैं, लेकिन प्रॉपर सीहोर प्रॉपर सीहोर का विकास भी काफी हो रहा है। आप नंबर एक जाके अस्पताल में देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, आप सीओर और श्यामपुर रोड जाकर देखिए कि कितना अच्छा बनाया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी, बुधनी में 3 फैक्ट्रियां लग गई बड़ी बड़ी, लगभग 5,000 लोगों को वहां रोजगार मिलता है, बुधनी में मेडिकल कॉलेज पहुंच गया, बुधनी में हाईवे बन गया, बुधनी में नगर पालिका के बड़े बड़े पार्क बन गए, ये बुधनी का विकास हो गया, ऐसा सीओर का हो गया? सीओर के अंदर मानसिक रोगियों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल बन रहा है और वो जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीओर का नाम होगा। भाई साहब, क्या यहाँ पे मानसिक रोगी बहुत ज्यादा है क्या? चलिए चलिए चलिए, एक मिनट भाई साहब, चलिए आपके एक बात ये बताइए, चलिए सीओर तो बुधनी में आता, बुधनी का विकास हुआ, लेकिन जितना छिंदवाड़ा का विकास हुआ उतना सीओर का क्यों नहीं हुआ? छिंदवाड़ा मॉडल की तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात बात करते हैं, पर सीओर मॉडल की क्यों नहीं करते? सीओर मॉडल की बात ये क्यों नहीं करते, ये इनसे पूछना चाहिए। आप मेरी बात, ये जिस मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं उसके सामने इन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन करोड़ों रुपए खर्च करके, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उस समय उद्योग मंत्री थे, किसी एक प्राइवेट कंपनी को दी थी, वहां पे एक चबूतरा मार्ग बन के रह गया, उसे रेल इंजन कारखाना इन्होंने कहा था, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए थे। किसानों के लिए शेरपुर में कागजी शेर भारत के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, आज तक एक भी किसान को उसका लाभ हुआ अरबों रुपए इनके कार्यक्रमों में और इनकी मार्केटिंग में खर्च करने के बाद, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये भाई साहब आप पिछावर की बात कर रहे थे और क्या स्थिति है, क्योंकि एक नर्मदा बेल्ट है आपके आसपास में, कितना वहां पे बताया गया शराब की दुकानें हट जाएंगी, नर्मदा जी के तटों को घाटों को सुंदरीकरण हो जाएगा, तमाम चीजें हो गई क्या? देखिए, बात आपने नर्मदा की है तो 2 साल पहले जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिरा दी थी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के निर्देश पर मैंने नीलकंठ से लेकर सीहोर तक पदयात्रा में नर्मदा की कर रहा था, 16 किलोमीटर की मेरी पदयात्रा चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ने मुझे वहां गिरफ्तार करवाकर मेरे साथियों के सहित हमको जेल में डाल दिया। आप नर्मदा की बात कर रहे हो, नर्मदा को खोखली करने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 8 दिन पुरानी बात है, मेरे छावट नगर में एक आदमी के ऊपर, उसके सिर के ऊपर से डंपर, रेत माफिया का डंपर निकल गया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, झट बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम गोरक्षा की बात करते हैं, अगर 1000 गोशाला बनाने का काम किया है तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। 300 रुपए की पेंशन जो दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में छोड़ी थी, उस वक्त 600 रुपए करने का काम किया तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया है। चलिए मैं वापस आऊंगा। हाँ भाई साहब, जी जी जी, आप कुछ बोल रहे हैं, अभी माननीय सर जैसे इन कांग्रेस और बीजेपी के साथियों ने बात करी है, कई मानसिक हॉस्पिटल की बात करी है, तो ये दोनों सरकारों ने यहाँ के लोगों को इतने मानसिक स्थिति पे पहुंचा दिया है कि उन्होंने हॉस्पिटल बनवाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अगर ये लोग चाहते हैं बीजेपी के लोग तो यह मानसिक हॉस्पिटल ना बनाकर यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खोलते जिसमें लोगों को रोजगार मिलता एवं शिक्षा मिलती साथियों, तो इनने शिक्षा का जो स्तर है वो भी कम कर दिया। अभी एक साथी ने बताया था कि मामा जी ने 1000 रुपए डाले और 9th की बच्ची जो है उसको 1000 की फीस देना पड़ी साल भर की साथियों, तो 2000 की देनी पड़ी, और 12वीं जो बच्ची पढ़ रही है उनको 4000 की फीस देनी पड़ रही है, एक साल से बच्चियों का वजीफा नहीं मिला है। तो साथियों, एक साल से बच्चियों का वजीफा नहीं मिला है
तो बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे बताइए। चलिए एक मिनट भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं आता हूँ उनके पास। मैं एक और मुद्दे पर आपका ध्यान गांव की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं सीहोर के समीपस्थ मेरा ग्राम निपानिया कला है। मैं भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विज्ञापन पर ज्यादा भरोसा करती है। अब इन्होंने राजगढ़ में किसानों को ले जाकर मेरे गांव से भी दो बस भर के ले गए थे। मेरे आसपास के 8 गांव ऐसे जहां पे इन्होंने वहां पे घोषणा करी थी कि किसानों को बीमा मिल रहा है। मैं भाई साहब को और आपको ले चल के दिखाना चाहता हूँ, अगर पूरे 8 गांव में गांव के किसान को भी अगर बीमा मिला हो तो। ये सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है जी। आप तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से हैं? जी जी बताइए। जिला मंत्री ये बताइए, ये कितना युवाओं को रोजगार मिल रहा है यहाँ पर, कितनी नौकरियां लग गई, कितने उद्योग खुल गए? देखिए रोजगार के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर इछावर रोड पर ही झागरिया रोड पर हमने इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना करी है। अगर उस इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के अंदर आप जाएंगे उस क्षेत्र के अंदर, वहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। क्या ये उद्योग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगवाया? क्या ये उसकी स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत हुई है? वो माननीय विधायक सुदेश राय जी के अंतर्गत हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि उस जैसे इन्होंने कहा कि शुगर फैक्ट्री की जमीन ये विधायक जी द्वारा कब्जा की गई है। 15 महीने की इनकी सरकार थी। मैं पूछना तो क्या कार्रवाई करी इन्होंने 15 महीने की इनकी कोई कार्रवाई करी? क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? हाँ जी कमलनाथ सरकार ने उस पर नोटिस भेजी है तो सरकार इधर गई, नहीं तो बता दो हम क्या करते उस पे। और रही बात नगर पालिका के विकास की बात, तो मैं बताऊंगा, मैं भी एनपीसी रहा हूँ वार्ड नंबर 16 से। मेरे क्षेत्र में जो विकास करेंगे, जो बनी बनाई पुलियाओं को तोड़ के पुलिया बनाना, बनी बनाई नालियों को तोड़ के नाली बनाना, भ्रष्टाचार थी चरम पे। चलिए मुझे एक और बात बताइए, ये इसी आया मुझे, सीहोर में मैंने सुना है करीब 15-20 साल पहले ये कहा गया था कि नर्मदा जल आ जाएगा, कब तक आ जाएगा? नर्मदा जल आना सुनिश्चित हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि काम चल रहा है, और निश्चित ही 2 साल के अंदर अंदर सीहोर शहर को नर्मदा का जल मिलेगा। एक बात, दूसरी बात, मेरे कांग्रेस भाई ने अभी बताया था कि किसानों का हित में कुछ नहीं हुआ। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले चुनाव में ये घोषणा की थी कि हम 10 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन इनकी सरकार 15 महीने रही, 15 महीने में इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, 15 महीने में कर्जा माफ नहीं किया। जी जी, इनके पूरे कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ हुआ है। कर्ज माफ कराने के बाद ये सबके सब घर भाग गए। और सुनिए, इन्होंने अभी बात कही थी कि सैकड़ों करोड़ रुपए का रोड, करोड़ों रुपए का रोड श्यामपुर में बनाया, पहली बारिश में वो रोड उसकी पुलिया 10-10 फीट गहरे गड्ढे में दब गई। भ्रष्टाचार इनके शासन में चरम सीमा पर है। ये फैक्ट्री की बात कर रहे थे, 3-3 इंडस्ट्रियल एरिया सीहोर में, मंडी में, पचामा में पहले से स्थापित है। वहां पानी की आज तक व्यवस्था नहीं हुई, वहां लाइट की आज तक व्यवस्था नहीं हुई। ये बढ़िया खेड़ी की बात कर रहे हैं तो वो एक बात कारण बढ़िया खेली का, ये गिना दे कितने उद्योग। इन्होंने आईटीसी को जमीन दी थी, नियम होता है 2 साल में चालू होना चाहिए। इन्होंने कई संस्थाओं को जमीनें दी थी, आज प्लॉट के प्लॉट वहां पड़े हुए हैं। ये रोजगार देने की बात करते हैं, और ये बताएं कि कमलनाथ जी की अभी ये 1000 रुपए की बात कर रहे हैं, 1200 रुपए की गैस की टंकी। अभी माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि गैस कांग्रेस शासित राज्यों में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिकता है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं? और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 109 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, जनता महंगाई से हाहाकार कर रही है, उस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। चलिए ये तो दूसरा सवाल सीहोर को लेकर, मैं भाई साहब आप क्या करते हैं थोड़ा सा? कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं क्यों करते हैं? रिटायर है और क्या। अच्छा, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम का कितना असर होने वाला ओपीएस का? हमें नहीं मालूम, हम तो बिजनेस से मतलब घर बैठ गए आराम। अच्छा, बिजनेस से आप यहीं रहने वाले हैं सीहोर? जी हाँ। कैसा, कितना बदलाव आया सीहोर में? बदलाव तो कुछ नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है और क्या। जैसे आप दूसरे शहरों में जाते, चलिए भोपाल तो छोड़ देते राजधानी है, पर आप विदिशा जाते हो या देवास जाते हो, उसकी तुलना में सीहोर कितना विकसित है? अब मुख्यमंत्री का शहर है ये, हर चुनाव में पार्वती वो नर्मदा की वादे होते हैं, शर्माती लोग मुंह पे जूता मार के चले जाते हैं कि मुख्यमंत्री तुम्हारा, पानी नहीं है तुम्हारे पास। हाँ जी, नर्मदा जल की बात करी है, कई
खेतों के अंदर पाइपलाइन और काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू किया जा चुका है। कई खेतों के अंदर पाइपलाइन है, ये जाकर के स्वयं देख सकते हैं। अब ये कमलनाथ जी के, अब मैं आपको बताता हूँ, 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने बहुत लंबे चौड़े युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। रोजगार के नाम पर अगर उन्होंने कुछ किया था तो सिर्फ यह किया था, गाय और ढोरों को चराने का काम युवाओं को दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये रोजगार कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था? क्या ये रोजगार दिया था? क्या ये इत्तेहाद कर करके पूछना चाह रहे ये भाई साहब? तेज आवाज में के जनता की आवाज नहीं दबा सकते। इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और आप बात करते हो कि सीहोर जिले की जनता कांग्रेस को वोट दे, सारे जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस के जीते हैं। इन लोगों ने खरीद का अध्यक्ष बनाया, आने वाले समय में जनता कांग्रेस को चुनेगी, ये चारों की चारों सीटें हारेंगे। और ये भाई साहब उद्योग की बात कर रहे थे, 25-50 लोगों को नौकरी दे दी, छोटे छोटे वो बना के बन्ना घर की बल्ली पर, उसका आप जिक्र कर रहे हो? शर्म आना चाहिए आपको 20 साल की सरकार में। चलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, भाजपा कांग्रेस छोड़ के किसी को ढूंढते हैं। ये भाई साहब आप क्या करते हैं? चाय की दुकान चलाता हूँ। चाय की दुकान यहीं पर? तो ये जो चाय की दुकान पे तो सारे लोग आते जाते रहते होंगे। तो क्या हालत है यहाँ के लोग, क्या बोलते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चर्चा होती है? यहाँ की हालत तो बहुत बुरी है, यहाँ प्रत्येक युवा बेरोजगार है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों को गुमराह करते हैं, बस चापलूसी टाइप की यहाँ पर नेतागिरी है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जिसका काम हो रहा है वो नेताओं की चापलूसी करते हैं, इसलिए यहाँ का युवा बहुत परेशान है। ये जो तो विधायक ये लोग कुछ करते नहीं करते हैं? विधायक क्या, विधायक जी भी कांग्रेस ही थे, अब जो भाजपा के लोग थे वो उनके साथ चले गए। यहाँ सब दल बदलू टाइप का हिसाब किताब है। दल बदलू टाइप का हिसाब किताब है। हाँ आप क्या करते हो भाई? मेरी भी होटल है सर। यार आप होटल चलाते हो तो आपके यहाँ भी काफी लोग आते होंगे, कितना खुश है यहाँ से, शहर से? सर शहर से तो खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दोनों दलों से कहना चाहूंगा कि अगर दोनों की सरकार आती है तो रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों से पूछना चाहूंगा। कांग्रेस की भी सरकार रही है और बीजेपी की भी सरकार रही है, दोनों ने अभी तक रोजगार के लिए यहाँ पर कुछ नहीं किया। चलिए रोजगार की बात लगातार यहाँ पर उठ रही है, रोजगार के लिए हुआ तो हालांकि कुछ भी नहीं है, ये दोनों ही जानते हैं। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? ने सिर्फ मात्र 21 लोगों को रोजगार दिया है, विधानसभा में लिखित जवाब दिया है इस सरकार ने। ये सीहोर जिले के आंकड़े आप बता रहे हैं, ये आंकड़ों में कितनी सच्चाई है सर? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि चिल्लाकर हमेशा विरोधियों ने सच्चाई को दबाया है। यदि अपने समय का ध्यान करें, जबकि सरकार थी तब सड़कों की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी, और पेयजल की क्या व्यवस्था थी। रात रात भर जगकर लोग केन लेकर जाते थे और रात रात भर जगते थे और एक केन भर के लाते थे। पार्वती आंदोलन की बात वो सब, पार्वती आंदोलन, मेरी बात सुनिए आप, पार्वती आंदोलन मात्र बीजेपी का या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। हम सबको मिलकर इस बात को हल करना पड़ेगी। और मैं बता दूं आपको कि आपके शासनकाल में सड़कों की क्या व्यवस्था थी, लाइट की क्या व्यवस्था थी, और जहां तक रोजगार की बात है, ये बताइए आप, ये सोयाबीन प्लांट कौन लेके गया? आपके मुख्यमंत्री। चलिए एक बार फिर से वापस, क्या जवाब क्या इसका? सोयाबीन प्लांट पतंजलि को किस सरकार ने बेचा, जवाब दीजिए। और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री सफेद झूठ बोल के गए थे कि हम नरेंद्र जी लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, जनता हमारी, कड़ी से कड़ी जोड़ी थी इनने 20 साल पहले, नर्मदा जल के नाम पे बेवकूफ बनाया। बिजली की बात करें तो आज बिजली विभाग को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रख दी। किसी किसान की मोटर छीनते हैं, किसी विरोधी का ये उस पे प्रकरण बनाते हैं, और आज बिजली बिलों की हालत ये है। इनको तो खैर, इनके पास तो भारतीय जनता पार्टी के पास, लोगों के पास तो साधन है बिल जमा करने के, आज आम जनता से पूछिए। चलिए ठीक है, ये बात सही है, लेकिन चाहे सीहोर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये ऐसा क्यों होता है? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था? यहाँ पर भी तो आपकी कुछ कश्ती जो है आप ही के लोगों ने डुबाई, कांग्रेस से भाजपा में आ गए। यहाँ तो
सीहोर की मैं बात करूं, यहां तो भारतीय जनता पार्टी के मूल लोगों को कुछ मिला ही नहीं। इन्होंने हमेशा कांग्रेस के लोगों को आयातित किया और टिकट दिए और चुनाव जिताए। ये तो बस चुनाव तक का जरिया मात्र है। फिर इनके कांग्रेसियों के इन लोगों ने झंडे उठाए हैं और जिन गद्दारों ने भारतीय जनता पार्टी में मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी, आज उनकी हालत देख लो। उनके नेता, उनके मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में आने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हम इनको नहीं लेने वाले। अच्छा एक मिनट भाई साहब, नहीं मैं कुछ पूछ रहा था, ऐसे ही पूछा, मेरे मन में आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये आप पुराने वाजपेयी हो या नए वाले? बिल्कुल मैं बहुत पुराना भाजपाई हूँ, लेकिन ये कांग्रेसी, इनकी आंखें देर से खुलती हैं जब ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भाजपा में समग्र विकास की बात की जाती है, व्यक्तिगत विकास की कहीं कोई चर्चा नहीं होती, तो इनकी जब आंखें खुलती है तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की पार्टी में आ जाते हैं, और निश्चित रूप से जब इनकी दृष्टिकोण बदल जाता है तो वो सब कुछ हो ही पाता है। एक मिनट। अरे भाई साहब बैठ जाओ, बड़ा जोश है आप में। मैं ये पूछ रहा था ये आंखें कब खुलती है, जब मामले खुलते हैं तब? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको लगता है कि अब व्यक्तिवाद की राजनीति जा चुकी है, इनके जब व्यक्तिगत सोच खत्म हो चुकी है, अब राष्ट्र के परम वैभव की बात करने पर भाजपा जब चलती है और इनकी आंखें खुलती है तो निश्चित रूप से उस विचारधारा में शामिल होते हैं और लाभान्वित होते हैं निश्चित रूप। ये जब आपकी विचारधारा में पुराने लोग, नए लोग शामिल हो जाते हैं, मतलब वो जिनको नहीं, सुनिए तो उसके बाद में वो जो टिकट वाली बात आती है, टिकट किसका कट जाता, किसका मिल जाता? पुरानों को मिलता, नए को मिल जाता? इस संबंध में मेरा ये कहना है कि वो अपना तन मन सब कुछ तन मन बदल करके वो भारतीय जनता पार्टी में प्रायश्चित करने के लिए आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का हमें जो है स्वागत करना चाहिए, और यदि वो योग्य है तो उसमें टिकट देने में भी कोई हर्ज नहीं है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के, अच्छा पुराने भाजपाई योग्य नहीं है? नहीं, पुराने भाजपाई भी योग्य हैं, लेकिन पुराने भाजपाइयों को टिकट की जरूरत ही नहीं है। वो तो देश की सेवा करने के लिए आए हैं, और ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये विचारवादी पार्टी है, इसमें हम जनता की सेवा करने के लिए आए, ना कि राजनीति करने। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने लोगों को, आप तो बड़ा खुश हो रहे हैं, आप लोग अपने घर को कुटुंब को संभाल क्यों नहीं पाते? देखिए एक बात है, कुटुंब की बात, परिवार की बात संभालना का मुखिया का दायित्व होता है। मतलब कमलनाथ जी का दायित्व था ना? कमलनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप परिवार की बात कर रहा हूँ। मैं परिवार की बात आपको बता रहा हूँ, आप राजनीति को परिवार से क्यों जोड़ के चल रहा है? आप परिवार, कांग्रेस भी एक परिवार है कि नहीं है? कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस टूट क्यों जाता है? कांग्रेस परिवार की बात करिए ना, आप घर के परिवार की और मुख्य, कांग्रेस की बात ही कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस की बात करिए ना, कांग्रेस के परिवार के जवाब हम देंगे आपको। आपके लोग भाग क्यों जाते हैं आपके कांग्रेस के परिवार के? देखिए एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये टोटल ब्लैकमेल करने वालों की सरकार है, लोगों को हरासमेंट करने की सरकार है, लोगों पे गलत मुकदमे कायम करने की सरकार है। आज अगर मेरे से ये कह दिया जाए कि संतोष भाई हम तुम्हारे मकान को तोड़ देंगे, हम तुम्हारे परिवार को रोड पर, कांग्रेस को छोड़ देंगे, बिल्डोजर हम तुम्हारे यहाँ बिल्डोजर चलवा देंगे, तो संतोष भाई तो अपनी क्या बोलते हैं कांग्रेस के होने के नाते हम तो झेल लेंगे, लेकिन पता लगा मेरा परिवार, मेरे बच्चों को ये लोग तबाह कर देंगे। ये आप लोग बड़ा आरोप है, बड़ा डराते धमकाते हैं, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि जो सबसे यहाँ का डरावना व्यक्ति, नहीं कहूंगा जो सबसे दबंग आदमी है, वो भी डर गया आप लोगों से। नहीं, ये सरासर गलत बात है, ये सत्ता की छटपटाहट में वो कुंठित लोग हैं जो कहीं ना कहीं छटपटाहट किसी से मिथ्या आरोप लगा के अपनी बातों को चिल्ला रहे, क्योंकि इनके पास अब इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। ये पब्लिक ने हमेशा साबित कर दिया, पिछली बार हम 21,000 वोटों से जीते थे और इस बार निश्चित रूप से 51,000 से ज्यादा वोटों से हम जीतने वाले हैं। ये साबित करेगा, 51,000 वोटों से कहीं ज्यादा जीत हमें हासिल होने वाली है। अच्छा ये बताओ आप, ये समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन कर दिया कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने, ये विधायक जी छोड़ के कांग्रेस भाजपा में चले क्यों गए? अब ये तो उन्हीं से पूछिए। अरे यार तो आपको नहीं पता होगा, सत्ता जो होती है, जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो मलाई चाहिए रहती है, तो फिर इधर उधर हो ही जाता व्यक्ति। भाई साहब ये किसी पार्टी के नहीं है, तो हमारे साथ ही है, गजब मलाई आपके पास रहती है। नहीं, हमारे पूर्व विधायक जी ने बिल्कुल ईमानदारी से 5 साल भारतीय जनता पार्टी के हित में काम किया था, जबकि वो निर्दलीय विधायक थे।
उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर चलते हुए उन्होंने पूर्णतः भाजपा की रीति नीति के हिसाब से काम किया था। इसके बाद में जाकर अगली बार में भाजपा के विधायक के रूप में यहाँ पर साबित हुए थे। पार्टी के प्रति पूर्णतः निष्ठा और समृद्ध राष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने कार्य किए थे, इस हेतु वो भाजपा के अगले कैंडिडेट बने। जी हाँ जी भाई साहब, आपने क्वेश्चन करा है कि विधायक जी क्यों छोड़ के चलेगा, भाजपा में क्यों चलेगा, ये तो आपको भी समझना चाहिए क्यों चलेगा। मैं धंधा करूं ये जनता की सेवा करूं, मैं धंधा करूं ये जनता की सेवा करूं, भैया मेरा पेट का सवाल है, मैं क्यों तुम्हारी सेवा करूं, मैं तो अपना धंधा करूं और पैसे कमाऊं और जनता को चूतिया बनाऊं, यही मेरा। चलिए जिसके भी बारे में बात करें अच्छे से बात करेंगे। ये भाई साहब काफी देर से ये जो इसकी टोपी उसके सर, ये नीली टोपी किसके सर? ये नीली टोपी तो बहुजन के सरों पर रहेगी साथियों। आज क्या है, आज की स्थिति में सीहोर विधानसभा का पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि विकास के नाम पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आज बीजेपी के भाई साहबों ने कहा है कि रोड का विकास चल रहा है, तो साथियों मैं बताऊं कि 15 साल पहले हमारे ग्राम कपूरी में एक विधायक जी द्वारा एक टंकी का निर्माण हुआ था, पूरे गांव में वहां पानी आना था, लेकिन नाली बन गई, नल लग गया, उसमें टोटी लग गई, लेकिन उसमें 5 बूंद आज तक पानी नहीं आया, तो ये कोई विकास नहीं हुआ। क्योंकि विकास किसका होता है, विकास इनके ठेकेदारों का होता है। ये दूसरा काम उस काम को छोड़ के पानी भले कोई मतलब नहीं, दूसरे काम को देखते हैं ताकि इसमें उसको उनको पैसा मिले, जैसे बीजेपी कांग्रेस दोनों की यही नीति। इसलिए सीहोर की जनता इस बार जागरूक हो गई है साथियों, सीहोर में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाकर हम बताएंगे। सुरेंद्र जरा एक जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की तरफ तो घुमाओ यार कैमरा। ये भाई साहब ये आप लोगों का दफ्तर है, कैसा बना हुआ है, क्या रो ये 5 बड़ी सौगात, झंडे वंडे दूल्हे वूल्हे नहीं है, ये पोस्टर फटा हुआ है, ये ऐसी हालत क्यों है? हमारी सरकार है इस हिंदुस्तान में आजादी के बाद सालों से रही, हमने 5-स्टार कार्यालय बनाने का काम नहीं किया, हमने जनता के काम किए, हम ऐसे कार्यालय में खुश हैं और हम गर्व करते हैं हमारे नेताओं पे कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। इनने सीहोर में ही 1 करोड़ रुपए से ऊपर का प्लॉट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद लिया और 5-स्टार कार्यालय बनाने वाले, इनसे पूछिए पैसा कहाँ से लेकर आए। ये आप ये कार्यालय जो है, ये कार्यालय की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जिस जमीन पर इनकी पार्टी का कार्यालय है वो माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिला गया। ये कार्यालय है, ये कांग्रेस का जो कार्यालय है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यालय, उसी समय का तो कार्यालय पूछो। चलिए सुरेंद्र थोड़ा सा वो कार्यालय के बगल में जरा पुलिस सहायता केंद्र दिखाइए। ये भाई साहब यहाँ पे क्या ताला लगा हुआ है, क्या बोला आपने? ये पुलिस सहायता केंद्र है, पुलिस सहायता के लिए गायब है। पुलिस सहायता केंद्र है, छुट्टी पे है पुलिस? छुट्टी पे नहीं है, शहर के अंदर इतनी शांति और सद्भाव है जिसकी वजह से हमें ज्यादा पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है। आने वाने सब बंद करवा दे, एसपी साहब को छुट्टी दे दें। छुट्टी वाली बात नहीं है, बात यह है कि जितने भी अपराध होते हैं वो सब कांग्रेस के जमाने में होते हैं, कांग्रेस की पार्टी जब सत्ता में होती है जब होते हैं। हाँ जी जी, कांग्रेस ही अपराध करे और इनकी इनके दल में आ जाए तो इनका भगवान वाशिंग मशीन है क्या इनके पास, के गंगा मैया है? ये लोग केवल झूठ बोल के जनता को बरगलाने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, इनके बड़े बड़े कार्यालय उसका जीता जागता स्वरूप है। ऐसा तो नहीं होगा भाई साहब, सीहोर तेरी पार्वती मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, ऐसा कहीं नहीं है, ये सिर्फ छटपटाहट है इनकी। ये जानते हैं जब इनके खुद इनके नेता कहा करते थे कि हम 1 रुपए पहुंचाते हैं तो 17 पैसे आते हैं, आज सीधे खातों में पैसा ट्रांसफर होते हैं जनधन योजना के माध्यम से, जब वो भी हितग्राही है उसके सीधे डायरेक्ट पैसे, कोई भ्रष्टाचार वाली कहीं कोई स्थिति नहीं है। ये तो क्या है कि इनके आंखों में पट्टियां बंधी हुई है, जो कल्चर इन्हें डेवलप कर रखा था वो इन्हें सब में नजर आता है, इसीलिए इनकी भावनाएं ऐसी हो पा रही है। सिर्फ सत्ता की छटपटाहट में वो व्यथित लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनकी व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है। सत्ता की छटपटाहट है भाई साहब, आपकी क्या गजब मुस्कुराहट है, क्या हो रहा है सीहोर में, क्या चल रहा है भाई साहब? इस सीहोर में कुछ भी हो सकता है। इस मध्य प्रदेश में एक कर्मचारी रोजगार सहायक 9,000 रुपए मिले उसका, आज उसके 3-3 बंगले हैं, उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, उसका पेमेंट कितना है? 9,000, मात्र 9,000, और उस पे अगर कम। चलिए आ रहे हैं वापस आपके पास, उसके करते हैं तो 376 में फंसा देता है। दो
ये जो है भाई साहब, आप लोग कोई क्यों कुछ नहीं करते? भ्रष्टाचार हटाना है तो विपक्ष का भी नारा है क्या है? देखिए, वर्तमान में सीहोर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भाई साहब इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी का एक और काम है, अगर बीजेपी का कोई लोग जिसका जमीर जाग जाए, सीहोर में ऐसा हुआ है कि अगर उसने न्याय की और अच्छाई की बात करी थी, लोग उसे पार्टी से बाहर निकाल देते और चुनाव के समय वापस अंदर ले। वैसे हो तो आप कांग्रेस ही, लेकिन वो आपके वर्मा जी ने चाय के पैसे चुकाए कि नहीं चुकाए? वर्मा जी ने चुका दिए पैसे, में किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता। बात है इछावर विधानसभा चौपाल से लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक एक हाईवे फोर लेन रोड बना, सीहोर की सीमा समाप्त होती राजकुमार ढाबे पर, राजकुमार ढाबे से चौपाल तक हाईवे पर दोनों तरफ लाइट लगी, बीच में लाइट लगी, दोनों स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लेकिन जहां से राजकुमार ढाबा खत्म होता है वहां से चौपाल तक इछावर विधानसभा में एक भी लाइट नहीं लगाई गई। ये हमारे विधायक की बहुत बड़ी कमी। दूसरी बात, आपके बड़े भाई साहब भी तो विधायक थे। मेरे बड़े भाई साहब विधायक थे, क्यों नहीं लाइट लगी? 398 एकड़ का अगर किसी ने औद्योगिक क्षेत्र लगवाने का काम किया, लाइट कांग्रेस पार्टी के विधायक 2013 के बाद शैलेन पटेल के द्वारा किया गया है। लाइट उस समय फोर लेन रोड नहीं बना था, उस समय स्थिति ये नहीं थी, फोर लेन रोड था ही नहीं वाला। अरे भाई साहब, आप लोग बड़ा नारियों के सम्मान की बात तो ये भी पार्टी करती है, आप लोग वो पैसा वैसा भी दे रहे हैं। अचानक क्या हुआ? जिनपे सीहोर पूरा गर्व करता था, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो कांग्रेस के मंच पे दिखी तो आपने सब साफ कर दिया, उनको अचानक ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया। तो वही गलत विचारधारा जुड़ गई ना, कांग्रेस गलत विचारधारा है। भाजपा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, भाजपा ने इतना सम्मान दिया, लेकिन कहाँ चले? भाजपा ने दिया मतलब सरकार ने नहीं दिया ना? तो सरकार ने दिया, और किसने दिया? कमलनाथ जी ने क्या दे दिया उनको? भाजपा ने दिया है, पर्वतारोही बनी, भाजपा ने सम्मान दिया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया मध्य प्रदेश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सम्मान दिया, लेकिन उनने क्या करा बदले में? विरोधी पार्टी में चली गई। पिछले महीने मई के अंदर 12,645, इस महीने जून के अंदर 27,730 रुपए मिले, ये देख लीजिए। तो ये विकास है, 1,783, फिर उसके बाद मिले मेरा 2,599, फिर उसके बाद मिले 12,665, इसके बाद 27,730 रुपए, ये जून का बिल है मेरा। अरे एक मिनट, मैं थोड़ा दिखा के आता हूँ, इधर थोड़ा सा दिखा के आता हूँ यहाँ पे। ये भाई साहब, ये जो बिल है, ये 27,730 रुपए का पहुँच गया एकदम से, 1,2500 से 27,000। संबंध में मेरा ये बोलना है कि गलती हो जाती है, उसमें सुधार भी किया जाता है, उनको जो है जो गलती हुई उसके लिए बाकायदा जो है संबंधित विभाग को अपनी आवेदन दे करके उसमें सुधार करवाना चाहिए। गलती तो हर कहीं हो जाती है, हर जगह होती है, लेकिन उसमें सुधार भी किया जा सकता है। चलिए, सुधार का बड़ा आश्वासन मिल रहा है आप, ये बिजली के बिल के लिए आप लोग कुछ मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इनके लिए हम प्रयास करेंगे कि इनका बिल कम हो। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में विद्युत मंडल न सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों की सुनता है, और विपक्ष के खिलाफ तो FIR दर्ज कराने थाने में पहुँच जाता। लेकिन भाई साहब, हमने तो कुछ किया नहीं था, हमारी बिजली भी कटवा दी आपने तो अभी। चलिए और इधर पहुँचते हैं यहाँ पर। जी साथियों, आप अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो घोषणा करी है, आप बिल्कुल निश्चित तौर पर, मैं कहना चाहता हूँ, घबराओ मत, गैस की टंकी 1,150 में नहीं 500 की मिलेगी। और मेरे साथी ने एक बात बोली थी कि 2,000 रुपए, अरे घबराओ मत, तुम्हें 1,500 नहीं 2,000 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल 2,000 रुपए मिलेंगे आपकी बच्ची के लिए, आपके बच्चे के लिए, स्कूल के लिए, फीस के लिए। साथियों ध्यान रखो, बिल्कुल ये जो भरोसा है, सरकार आएगी तब ना, सरकार आएगी तब ना, 51,000 वोटों से जीतेगी सीहोर विधानसभा सरकार। ये चटपटा आते हैं कुछ वाले, इस बार 51,000, चारों पूरा साम्राज्य, पूरा साम्राज्य मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 38 वोटों से जीतने वाली है और बनने वाली है। ये सिर्फ उनकी चटपटाहट यही रहने वाली है, और वो सिद्ध करेगी अपने आप में किनके कितने झूठे राशन है। आखिरी में, सबसे आखिरी में, सीहोर में आप लोग क्या क्या करवाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? मौका जरूर मिलेगा, और अभी भी हम विकास कर रहे हैं, और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और जो पूरे जिले का विकास हो रहा है और आगे भी हम विकास करते रहेंगे। आप लोग क्या करवाएंगे सीहोर के लिए? सीहोर के लिए हम करेंगे, सीहोर के लिए विकास करेंगे। आज जो 400 की टंकी की बात कर रहे हैं, कल ये 4,000 की देंगे, कांग्रेस वाले भी 4,000 की देंगे। क्या करेंगे सीहोर के लिए कांग्रेस में? देखिए, इनके विकास का एक मॉडल मैं आपको और बता दूं, आप पूरे क्या करेंगे आप ये बताइए। सीहोर में
सीहोर में विधानसभा में नई नगर पंचायत है, दोरा और श्यामपुर को बनाने का काम करेंगे। इस सीहोर शहर में आज की तारीख में जो मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं आया, कांग्रेस की सरकार बनी तो हम स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ लाने का काम करेंगे, नए शिक्षण संस्थान यहाँ लाने का काम करेंगे और रोजगार की दिशा में कमलनाथ जी की चर्चा सीहोर के नेताओं से हुई है। ये तमाम बड़े बातें हैं लेकिन हकीकत यह है सीहोर की कि सीहोर को नर्मदा जल चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, ट्रेनों में स्टॉपेज चाहिए, श्री गणेश का जो मंदिर है उसको बेहतर तरीके से ट्रस्ट चाहिए और आजकल जो सबसे प्रसिद्ध प्रदीप मिश्रा जी है उनके कुबेरेश्वर धाम के आसपास व्यवस्था चाहिए, सीहोर को रोजगार चाहिए, शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र चाहिए। इन तमाम जरूरतों को जो भी जीतेगा वो जरूर पूरा कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।